Hello guys, this video is from GLC Sports. So today we are going to present tournament related topic. So topic name is how to register our team in this tournament. So guys, काफ़ी लोगों का question था कि हम अपनी अपनी squad कैसे register करवाएं. तो काफ़ी simple है guys. और video start करने से पहले thank you so much for your love and support. तो गाइस इसी तरह की सपोर्ट करते रहो और इसी तरह हम अच्छे अच्छे टूर्नामेंट लाते रहेंगे आपके लिए. T3 T1 सब कुछ लाएंगे. और गाइस डिस्कॉर्ड सब लोग भाई डाउनलोड करके रहें. डिस्कॉर्ड के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगी हमारी. और डिस्कॉर्ड मस्ट है GLC स्पोर्ट्स में. तो जिनको नहीं आता वो पूछ लेना अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में आके. तो चलते भाई वीडियो की तरफ. वीडियो से पहले डिस्कॉर्ड पे ओपन होना है तुम लोगों ने. और डिस्कॉर्ड ओपन होने के बाद आपने जाना है हाउ टू रजिस्टर में. वहाँ जाके सब कुछ पढ़ लेना. स्टेप 1 स्टेप 2 पढ़ लेना. और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना हमारा चैनल. ठीक है. सब्सक्राइब करने के बाद इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और GLC e-sport के जो SS वो है SS वाला जो चैनल बना हुआ है वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डालना है. 4 players के ना कि 1 के. ये तो आपको वीडियो बना रही है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में हम बना रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए. यहाँ पे आपको 4 players के अलग अलग स्क्रीनशॉट डालने हैं अलग अलग फ़ोन से लिए हुए. ना कि 1 के मत डालना वो रिजेक्ट हो जाएगी टीम अगर मैनेजमेंट देखेगी. तो SS डालने के बाद आप लोगों को टीम रजिस्टर करवाने के लिए ये फॉर्मेट है जो कॉपी पेस्ट करना है. ठीक है. कॉपी करने के बाद आपको जाना है हाउ टू रजिस्टर हेयर पे जाना है. डिस्कॉर्ड टैग चेक पे जाना है सबसे पहले. तो डिस्कॉर्ड टैग चेक करने के पहले आपको ये जितना भी एडिट किया हुआ नीचे लिखा हुआ ना आफ्टर ये सब कुछ काट देना है जो आपके मतलब का नहीं है. आपके सिर्फ यहाँ पे प्लेयर आईडी करेक्टर आईडी और डिस्कॉर्ड टैग आने चाहिए. और डिस्कॉर्ड टैग भाई उन्हीं के होंगे जो बंदे जिन्होंने ज्वाइन किया होगा. तो 4 players के हमारे मस्ट हैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड टैग. तो 1 team के 4 बंदे डिस्कॉर्ड पे होने ही चाहिए तभी वो होगा डिस्कॉर्ड टैग आपका चेक होगा. ठीक है. तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे नटकट जो हमारा मॉड है उसने अपना यहाँ पे नाम डाला और प्लेयर आईडी भी अपनी डाल चुके हैं. और डिस्कॉर्ड टैग चेक करने के लिए कुछ नहीं करना स्पेस देके ऐट द रेट करके जैसे हम ऐट द रेट टैग करते हैं किसी को जस्ट टैग करना है. तो जैसे तुम नाम लिखोगे जैसे नटकट अपना नाम लिख रहा है तो जस्ट कॉन्ग लिखा इसने तो इसका नाम आ गया ऊपर क्योंकि ये डिस्कॉर्ड में था इसलिए टैग का ऑप्शन आ गया. तो इसी तरह आप लोगों को भी करना है. और जितने भी प्लेयर आईडी जितने भी नीचे है ना इन सब में ऐसे ही करना है. सबके अलग अलग डिस्कॉर्ड टैग होंगे सबके अलग अलग नाम होंगे वो सब तो आपको पता ही होगा इतना तो नॉलेज होगी. तो बस डिस्कॉर्ड टैग को शेयर कर देना यहाँ पे और सारे प्रोसेस A to Z होने चाहिए वरना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी. हमारे डिस्कॉर्ड मेंबर सारे कुछ देख रहे हैं और काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं डाले SS नहीं डाले तो उनको बताने चाह रहे हैं कि आपका जो स्लॉट है वो कन्फर्म नहीं होगा वो कैंसिल हो जाएगा. और ये सब करने के बाद ना डिस्कॉर्ड टैग पर अगर टिक आ जाए अगर टिक आ गया वहाँ पे एक टिक का ऑप्शन होगा अगर वो आपका क्लिक हो गया मतलब कि वेरीफाई हो गया तो आपको वो कंप्लीट वो मेथड जो था ना वो आपका उसको कॉपी पेस्ट करना है जो डिस्कॉर्ड टैग में डाला था और रजिस्टर हेयर में आपको पुट कर देना. सिर्फ सिंपल इतना सा है ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं. और डिस्कॉर्ड टैग और ये इंपॉर्टेंट है कि YT आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया ये जान लेना. और गाइस YT SS वगैरह सबके चेक होंगे फिर ही तुमको रजिस्ट्रेशन मिलेगी. YT और टैग चेक होंगे तो अपने 4 player मस्ट अपने ज्वाइन करवा लेने डिस्कॉर्ड में और YT SS उनका जो है वो भेज देना अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में. तो गाइस बस इतनी सी बात थी तो ये शायद से आपको क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना. गाइस वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो इसे करते यहीं पे क्लोज. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो डिस्कॉर्ड में डायरेक्ट वॉइस चैट पे आ जाओ. तो चलते भाई वीडियो को यहीं करते हैं क्लोज. थैंक यू सो